इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में 10 साल पहले नाबालिग का अपहरण कर फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला कनाडिया रोड थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले आरोपी गब्बर उर्फ धर्मेंद्र नामक युवक ने अपने ही पास में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था। उसके बाद उसने उससे शादी कर ली थी। उस समय बच्ची की उम्र लगभग 17 वर्ष थी, जिस पर पुलिस ने अपहरण सहित अन्य धाराओं के मामले में प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। वही 2014 में एक हादसे के दौरान युवती की मौत हो गई थी। गब्बर की एक छोटी बेटी भी है जिससे वह अपने साथ रखता था। गब्बर फरारी के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई अलग अलग शहरों में रहकर मजदूरी कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि पीतमपुर में आकर वह कंपनी में काम कर रहा है। पुलिस ने टीम गठित कर दबिश दी और आरोपी गब्बर को गिरफ्तार कर लिया है। एक गब्बर उर्फ धर्मेंद्र, उसके पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची को सन 2009 में भगा करके ले गया था और उससे शादी कर ली थी, और वहाँ से वो गुजरात गया और उससे उनको एक बच्चा भी हुआ। और गुजरात में ले जाने के बाद एक दिन चिमनी से जल करके उसकी मृत्यु हो गई। उसने, आरोपी ने किसी को भी नहीं बताया और उसने उसको दाह संस्कार वगैरह भी कर दिया। और ये जानकारी, काफ़ी दिनों से ये फरार था, फिर गुजरात में रहा, फिर बाहर रहा, खरगोन आया, इंदौर में भी कुछ स्थानों पर रहा। अभी उसकी सूचना मिली थी कि वो पीथमपुर में काम कर रहा है, तो उसको हमारी कनाडिया की टीम ने जा कर के और पीथमपुर से उसको पकड़ के लाए, पूछताछ की, तो उसने फिर स्वीकार किया कि हाँ, उसने उससे शादी कर ली थी और उससे उसको एक बच्चा है 8 साल का, सोनू, वो उसी के साथ रहता है। और मजदूरी करते समय गुजरात में उस महिला चिमनी से उसको आग लग गई थी और ज़्यादा जल जाने के कारण मजदूरी करता था, इसलिए इलाज भी नहीं करा पाया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके माता पिता को भी उन्होंने बाद में सूचना दी है, लेकिन वो लोग नहीं आए और इसमें अभी विवेचना की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।